सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आप अपने किसी भी सैमसंग वाले फ़ोन में फ्रेंड्स आपको अपने कैसे आप जो गलती से पैटर्न लॉक लगाते हैं अपने स्क्रीन पे, तो गाइज आपको यही पैटर्न लॉक का से रिमूव करना है, हटाना है। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेते फ्रेंड्स। आपको सैमसंग वाले फ़ोन में पैटर्न लॉक को रिमूव करने के लिए सेटिंग्स ओपन कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेटिंग्स ओपन करेंगे तो गाइज आपको सेटिंग इंटरफेस में यहाँ पे दिखेगा लॉक स्क्रीन, तो आप यहाँ पे क्लिक करके स्क्रीन लॉक टैब पे क्लिक कर देना है। यार जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गाइज आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है अपना पैटर्न, वो भी करंट वाला जो आपने लगाया हो। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्वाइप वाला ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है। गाइज यहाँ पे आपका जो पैटर्न लॉक सेट था स्क्रीन पे अब वो रिमूव हो जाएगा, आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सैमसंग वाले फ़ोन में पैटर्न लॉक को रिव्यू करना है, हटाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।